का, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, सिंपल है, और मैंने आपसे कहा भी है कि जब आपके पास टाइम नहीं है और जल्दी करना चाहते हैं कोई चीज़ एज ए डिनर कर लें, जैसे आगे से माशाल्लाह से रोज़े आ रहे हैं, तो उसमें भी जो है ये आप बहुत जल्दी इसको, चाहे इफ्तार हो चाहे सहरी, आप इसको बना करके रोटी या पराठों के साथ में इंजॉय कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं क्विक रेसिपी आलू की, ठीक है। घर में आपके पास कुछ होना हो, हरे घर में आलू तो माशाल्लाह से होते ही हैं, तो ये सिंपल सी रेसिपी है, इसको आप जल्दी जल्दी खाना इसमें बना सकते हैं। बच्चों को भूख लगी है, स्नैक के तौर पे बना लेंगे जल्दी से, साथ में कोई पराठे, इसे छोटे छोटे पूरी पराठा या पराठों का बड़ा मज़ा आता है। तो जो आज की रेसिपी, इसका नाम है जी चटपटे आलू की कतली है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एक मसाला जो है पीसना है, उसके लिए आपको चाहिए सौंफ, तो ये एक टेबलस्पून भरकर आप सौंफ डालेंगे और एक टेबलस्पून ज़ीरा। इसको आपने यहाँ पे ड्राई रोस्ट होने देना है, और जैसे इसके आप देखेंगे ऊपर अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया, तो आप जो है इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा मत इसको जलाइएगा प्लीज़, फिर आपको मैंने बहुत कहा हुआ वीडियोज़ में कि करवाहट आ जाती है आपकी जो ड्राई स्पाइसेज होती हैं, तो इसको यहाँ पर भूनती हूँ और फिर इसको मैं पीसती हूँ और उसको आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसको पीसने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहती थी कि देख लें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने मसाला इसका पीस लिया था, ये देखें, ठीक है, ये तैयार हो गया। इसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर आप इसको तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है। मैंने तेल ले लिया हुआ है, 1/3 कप ऑयल है। इसमें सबसे पहले आप डालेंगे 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, और इसमें हींग जाएगी, यानी कि एस्पर्टीला जिसे कहते हैं, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। अगर आपके पास हींग नहीं है तो फिर इसकी जगह आप यहाँ पर फ्रेश लहसुन जो है 1 टेबलस्पून अच्छे से पीस कर डाल दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज की प्याज, इसी के साथ में इसको चॉप कर लेना, जिसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं, और इसको यहाँ पर फ्राई होने देंगे जब तक कि प्याज को हल्का सा, आप देखोगे इसकी एजेस जो हैं किनारे से गोल्डन होने शुरू हो जाते हैं, तब तक इसको ज़रा फ्राई करते हैं। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हल्की सी जो प्याज है वो गोल्डन हो गई है। आपने अब यहाँ पर ऐड करने हैं इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर, और इसको पहले मिक्स करते हैं। और इसमें डाले जो मसाले हैं, तो कुटी लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 टीस्पून बिल्कुल भर कर डालेंगे। आप मिर्चें और नमक अपने जायके के मुताबिक कर सकते हो। रंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत कलर देगा, पेपरिका पाउडर डाल लें या कश्मीरी मिर्च होती पाउडर, स्पाइसी वाली नहीं होती है। 1 टीस्पून डाला नमक, इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, और तमाम मसाले डालकर या फिर टमाटरों के साथ में इसको मसाले को पका लेते हैं कि टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए, ठीक है, और हमारा मसाला तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है इस स्टेज पर कि आपके जो है मसाले लग रहे हैं, तो फिर आप इसमें जो है पानी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपके सामने पानी डाल देती हूँ यहाँ पर, तो इसमें पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 कप जितना पानी है। अब ये पानी डालकर इसको लो टू मीडियम पर रखकर ढककर कुक कर लें कि टमाटर भी गल जाएं, मसाले भी अच्छा हमारा तैयार हो जाएगा यहाँ पर, और तेल दोबारा जो है सरफेस पर आ जाएगा। देख लें यहाँ पे जो है मसाला हमारा तैयार हो गया, तेल आ रहा है सरफेस पर। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर 1 किलो आलू लिया था, ठीक है, और उसे मैंने इसी के से काट लिया है। इसको ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, वरना फिर ये होता है कि पकते पकते आलू जो हैं बिल्कुल ही हॉश पॉश होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि नरम पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसका ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर अब आप फ्लेम को फ़िलहाल हाई पर रखें, और आलू को जो है इस मसाले के साथ में थोड़ा यहाँ पर फ्राई करेंगे। और आलू जो होते हैं वो तो आपको पता ही है कि यूँ चमचे चलाता हुआ ही बीच में आपको पता ही है कि आलू जो फटाफट गल जाता है, तो ये है कि इसको ज़रा यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए मैं फ्राई करती हूँ इसी मसाले के साथ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है।
अभी मैंने इसको जो है इस मसाले में दो दो मिनट के लिए भुना था। अब इसके अंदर आप ऐड करोगे वही भुना हुआ हमारा मसाला, ये तमाम इसमें जाएगा। ये 1 किलो का हिसाब होता है इस मसाले में। अब इसके साथ भी जो है यहाँ पर अब आप आलू को मज़ीद 2 मिनट और देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर भूनते हैं आलू के साथ, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, सिंपल है, और मैंने आपसे कहा भी है कि जब आपके पास टाइम नहीं है और जल्दी करना चाहते हैं कोई चीज़ एज ए डिनर कर लें, जैसे आगे से माशाल्लाह से रोज़े आ रहे हैं, तो उसमें भी जो है ये आप बहुत जल्दी इसको चाहे इफ्तार हो चाहे सहरी आप इसको बना करके रोटी या पराठों के साथ में इंजॉय कर सकते हो। तो छोटी छोटी रेसिपीज हैं लेकिन इनके जायके बहुत अच्छे होते हैं। सो इसको मैं यहाँ पर मैं 2 मिनट और दूंगी हाई फ्लेम पर भूनना, और उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। अब इसमें आप इस वक्त डालेंगे 3 टमाटर पहले डाले थे, एक जो है छोटे साइज का भी डाल दें, दरमियाने साइज का डाल दें, और 2 अदद बुलेट ग्रीन चिलीज हैं। इसका आपको पता ही है बहुत बताया तीखापन कम होता है लेकिन इसका जो है खुशबू और जायका बड़ा अच्छा आता है। कोई भी आसान में इसको डाल के बनाते हैं, तो ये डाल के इसको मिक्स करें, और इसमें हम डालते हैं साथ में यहाँ पर पानी, और फिर इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के कुक कर लेंगे कि आलू आपके गल जाने चाहिए, और जो भी पानी इसमें हम डालेंगे वो खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी चला गया 1 कप जितना है, मिक्स कर लें, कवर कर लें, और लो टू मीडियम रख इसको कुक कर लें कि आपके जो है आलू जैसे गल जाए। तो देख लें यहाँ पर पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया, ठीक है, और आलू भी जैसे गल गए हैं। अब यहाँ पर आप ऐड करोगे, इस पर मेरा होममेड गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून डाल लें। हरा धनिया जाएगा इसमें 1 अदद मुट्ठी डाल दें, जरा कलर भी खूबसूरत आता है, अच्छी खुशबू आती है, और बुलेट ग्रीन चिलीज जो है यहाँ पर 1 बड़े साइज की मेरे पास और थी, उसको मैंने बीच में जो है काट के डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश, इसी के साथ पतलियाँ बनाते हैं, सर्व कीजिए गर्मा गर्म, रोटियाँ हो जाएं साथ में, लहसुन का रायता बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त का जोड़ है लहसुन के रायते के साथ में। और वैसे आपको पता है लहसुन तो बहुत ही हेल्दी होता है, पराठों के साथ में खा लें, पूरी पराठा कम्प्लीटली योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कम्प्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ कुक विद फ़ाइज़ा .net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।